दोनों फिल्में देख ली है मैंने, कल डंकी देख ली थी, आज जो है सलार देख ली। दोनों फिल्मों का कंपैरिजन तो चल ही रहा है, हो ही रहा है। तो मैं बता दूं भाई, दोनों फिल्मों में मैं पर्सनली अगर आप मैं चॉइस बोलूं, तो अगर आप मुझे बोलोगे कि कौन से फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं बोलूंगा कि मुझे सलार ज़्यादा अच्छी लगी। जबकि सबको मालूम है, जो जो लोग भी मुझे देखते हैं, कि मैं मास फिल्में और ऐसी फिल्में पसंद नहीं करता हूं, पर बावजूद उसके मैं ये बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों में मैं डिफरेंस बताया था मेनली, इससे पहले कि लोग मेरे को बोलते कि तू तो इसको हेट कर रहा है, उसको हेट कर रहा है, या ये सब कर रहा है, वो जिसको बोलना है जो बोलता रहे। लेकिन मैं मेनली बता देता हूँ कि देखिए, राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी मैंने जब रिव्यू किया था कल मॉर्निंग का शो देख के, तो सब लोग कहने लगे कि यार तो हेट कर रहा है, वो कर रहा है। जबकि मैंने बोला था कि परफॉर्मेंस वाइज फिल्म अच्छी है, विक्की कौशल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शाहरुख खान तो करते ही हमेशा से, बोमन ईरानी इन सब ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। लेकिन स्टोरी वाइज टिपिकल स्टाइल की राजकुमार हिरानी की कुछ नया उन्होंने किया नहीं, कुछ वही देखने को मिल रहा है, वो जमाने की कहानी चली आ रही है, वही लीपा पोती करके दे दिया। कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ मजा आ जाए, कि कुछ बहुत अलग लग जाए, वही टिपिकल सा है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा स्पेशल उसमें कुछ लगा नहीं, परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस के बल पर आप नहीं कह सकते ना कि फिल्म अच्छी हो गई। सलार मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि सलार में देखिए इस तरह की फिल्में जो होती है इनकी भी स्टोरी नॉर्मल रहती है, इसमें कुछ स्टोरी में इसमें भी कुछ बहुत गजब नहीं है, लेकिन मेनली क्या है कि इसके स्क्रीन प्ले मज़ेदार है, म्यूजिक बीजीएम अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है ना। तो आप जहाँ पर इसको देखेंगे डंकी को, तो डंकी का तो मुझे एक भी गाना अच्छा नहीं लगा, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक की तो फिर आप क्या ही बात करोगे, है ना, गाने ही है जो है इसके अंदर। एक्शन भी अच्छा बता, अच्छा बताया, मज़ा आता है आपको देख के, भले आप मास फिल्में ऐसी फिल्में नहीं पसंद करते हो, ऐसे मैं कोई खास पसंद नहीं करता, लेकिन बावजूद उसके वो एक्शन वगैरह अच्छा देखने को मिला। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, प्रशांत नील का जो डायरेक्शन है बहुत बढ़िया देखने को मिला, वाकई में उनकी पकड़ जो है ना एज अ डायरेक्टर वो बहुत बढ़िया, फिल्म देख के समझ में आता है। और पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। देखिए प्रभास के इसमें तो क्या है, आपको मेनली एक्शन वगैरह वायलेंस ये सब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, उनके डायलॉग्स या वो उनकी बातचीत कम है, एक्शन उनका ज़्यादा। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन का तो ऐसा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा देख के। तो ओवरऑल ये भी पूरी परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म है, एक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। अब सिनेमाटोग्राफी देख लो, सिनेमाटोग्राफी इतना बढ़िया, अगर आप ऐसा फिल्म अगर आप देखो तो एक इतना बढ़िया पीस ऑफ फिल्म मेकिंग है कि आप सिनेमाटोग्राफी देख लो, म्यूजिक देख लो, सभी कुछ इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है, फिल्म की एडिटिंग देख लो बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस वजह से मैं अगर कंपेयर करूँ दोनों में, तो लगता है सलार थोड़ी सी ज़्यादा बेटर बन जाती है एज़ कम्पेयर टू डंकी। तो मुझे उतना कुछ मज़ा भी नहीं आया डंकी के अंदर। ओवरऑल अगर मैं हिरानी की फिल्मों में कंपेयर करूँ तो थ्री इडियट, मुन्ना भाई, उसके बाद फिर आप देख लो पीके, और उसके बाद आप इसको रख सकते हो इस फिल्म को डंकी को, और उसके बाद सबसे एंड में आप रख सकते हो संजू को। यही है राजकुमार हिरानी की फिल्मोग्राफी के हिसाब से, मेरे नज़रिए से। बाकी आपकी क्या चॉइस है वो आप खुद समझ सकते हो।